हेलो फ्रेंड्स, जीडी एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? ऑप्शन ए है पाषाण युग, ऑप्शन बी है ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन सी है कांस्य युग, ऑप्शन डी है लौह युग। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पाषाण युग में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव सभ्यता के विकास की नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन ए है शिकार और संग्रहण, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है पशुपालन, ऑप्शन डी है औद्योगिकरण। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, शिकार और संग्रहण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन, ऑप्शन बी लिपि, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी कला और शिल्प। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगर नियोजन थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वह थी नगर नियोजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण युग, ऑप्शन बी है रजत युग, ऑप्शन सी है कांस्य युग, ऑप्शन डी है लौह युग। राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वर्ण युग। गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, इन्होंने भारतीय स्वतंत्र संग्राम में सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1970। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1950। फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर पता हैं तो आप मुझे कमेंट में बताते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी तोता। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मोर, यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी कबड्डी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी हॉकी, यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए शिकार और संग्रहण, ऑप्शन बी कृषि अवस्था, ऑप्शन सी पशुपालन अवस्था, ऑप्शन डी औद्योगिक अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए शिकार और संग्रहण, या मानव सभ्यता के विकास की प्रथम चरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए लकड़ी से, ऑप्शन बी हड्डी से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी सभी से। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लकड़ी से भी बनाया जाता था, हड्डी से भी बनाया जाता था और पत्थर से भी बनाया जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? ऑप्शन ए है पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण युग, ऑप्शन सी है नवपाषाण युग, ऑप्शन डी है ताम्रपाषाण युग। राइट आंसर है पुरापाषाण युग में आग का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण युग, ऑप्शन सी नवपाषाण युग, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण युग। राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में कृषि कार्य प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी चांदी। राइट आंसर हो जाएगा तांबा, मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी धान। राइट आंसर है ऑप्शन सी जौ, मानव ने सर्वप्रथम जौ को उगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोलडीहवा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी हड़प्पा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी कोलडीहवा, इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से, बेलन से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से। राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। राइट आंसर है ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो ताम्रपाषाण काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1924। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला माना जाता है? किस स्थान को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है चंद्रहुदड़ो, ऑप्शन डी है उज्जैन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी MS वत्स। राइट आंसर इसका हो जाएगा राखलदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो के टीले को खोजा था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है चंद्रहुदड़ो, ऑप्शन डी है लोथल। राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नगर और नदी, सिंधु और पंजाब, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और डी है कपास और ऊन। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सिंधु और पंजाब, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी चंद्रहुदड़ो से, ऑप्शन डी लोथल से। राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से, माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है कांस्य, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है लोहा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा, लोहा का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे, तांबा का यूज़ करते थे, कांस्य का यूज़ करते थे और सोना का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांसी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी है हड़प्पा से, ऑप्शन सी है चंद्रहुदड़ो से, ऑप्शन डी है लोथल से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, कांसी या नर्तकी की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? ऑप्शन ए सिंधु प्रदेश में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी गंगा का मैदान में, ऑप्शन डी है दक्षिण भारत में। राइट आंसर हो जाएगा सिंधु प्रदेश में। सिंधु प्रदेश में आर्य भारत में सबसे पहले आकर बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है वरुण, ऑप्शन सी है अग्नि, ऑप्शन डी है सूर्य। राइट आंसर इसका हो जाएगा इंद्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए है प्राकृतिक शक्तियों की, ऑप्शन बी है पशुओं की, ऑप्शन सी है पूर्वजों की, ऑप्शन डी है सभी की। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे और पूर्वजों की पूजा करते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए है देवता का, ऑप्शन बी है ऋषि का, ऑप्शन सी है यज्ञ का और ऑप्शन डी है शूद्र का। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्वेद। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है अपभ्रंश। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या फिर अथर्वेद है? राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्रथम वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्वेद। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है बैल, ऑप्शन डी है ऊंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन थी? ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है समिति, ऑप्शन सी है विदत, ऑप्शन डी है गण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विदत, सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था विदत थी ऋग्वैदिक काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद से देवता या फिर यजुर्वेद यज्ञ या फिर सामवेद संगीत या फिर अथर्वेद आयुर्वेद। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्वेद का आयुर्वेद से संबंध नहीं है। ऋग्वेद का संबंध है देवताओं से, यजुर्वेद का संबंध है यज्ञ से और सामवेद का संबंध है संगीत से, अथर्वेद का संबंध आयुर्वेद से नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है कांस्य, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है लोहा। राइट आंसर हो जाएगा लोहा। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो लोहा की खोज की थी। आर्यों ने किसकी खोज की थी? लोहा की खोज की थी इन्होंने। आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।